बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। आमीन जी। तो अल्लाह की अता से और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। तो जनाब, आज एक रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत इजी वे में है और साथ ही थोड़ी सी रूटीन शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जाने। जी तो जनाब, यहाँ पर हादी ने मंगवा लिया था बर्गर, क्योंकि आपको पता है हादी को कबाब जी का ही बर्गर पसंद आता है। तो बस जनाब, ये वही इंजॉय करती हैं। तो अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूँगी कि देखिए, हमें हमेशा ना समझौता करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो समझौते से काम नहीं लेता ना, तो मैं समझती हूँ कि वो थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते के लिए हमेशा को तोड़ देने से बेहतर है। तो जनाब, समझौता करना सीखिए। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में कर लेना, हम बहुत से रिश्तों के बचा सकते हैं। तो बस जनाब, यही छोटी सी बात है कि हमेशा जहाँ तक मुमकिन हो सके आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, समझौता कर लीजिए। इससे क्या होता है कि बाज़ रिश्ते हमारे टूटने से बच जाते हैं और फिर हमें बाद में एहसास होता है कि वाकई हमने बहुत अच्छा किया। तो बस जनाब, छोटी सी बात थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो जनाब, यहाँ पर देखिए, मेरे चूल्हे का जो लाइटर था वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ हादी माचिस से चूल्हा जला रही थी, तो जो उनसे जलाया नहीं जाता क्योंकि आदत हो गई है ना लाइटर की, तो जनाब उसका सेल ख़त्म हो गया था। और यहाँ मानी बेचारी इतने सारे बर्तन धो रही है, देख रहे हैं ना आप। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्चियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्प करवाती हैं मेरे साथ। तो यहाँ पर बस वो लोग किचन क्लीन करके ना, तो चाय अपने लिए बना रही थी और जनाब मैं कर रही थी अपनी फ्रेंड का वेट, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड ने आना था और काफ़ी देर हो गई थी, तो वो आई नहीं थी। तो बस जनाब, मैं उन्हीं का ही वेट कर रही थी। तो आपको पता है कितना मुश्किल काम होता है ना इंतज़ार करना, और मुझे तो जनाब बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि जब मेरा सारा सारा काम रेडी हो जाता है तो फिर मुझसे वेट बहुत मुश्किल हो जाता है वेट करना ना। तो बस जनाब, वो यहाँ आ गई थी और हमने माशाल्लाह खूब इंजॉय करा था। तो उसकी वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जनाब मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई थी। अच्छा, यहाँ देखिए, मैं दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल। एक टमाटर ले लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स और 2 हरी मिर्चें। ये मिक्स दाल होती है और ये बड़ी मज़ेदार सी लगती है, चाहे आप इसको चपातियों के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि बहुत छोटी छोटी डिशें सबको ही आती हैं, लेकिन क्या है कि हर किसी का बनाने का मेथड डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैं जनाब ये सोचा मैंने आपके साथ शेयर कर दूं, बहुत इजी सी रेसिपी है। तो देखिए, यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी थी और वो अच्छे से गल गई थी। तो बस मैंने क्या करा, इस तरह हैंड ब्लेंडर की मदद से ना, इसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। अगर आपके पास वो होती है ना लकड़ी की दाल घुटनी, अगर वो है तो आप उससे घुट लीजिएगा, क्योंकि अगर दालें अच्छी होती हैं ना तो यकीन करें बड़ी जल्दी से गल जाती हैं, और बाज़ दालें ऐसी ढीठ होती हैं ना, यकीन करें बहुत मुश्किल से गलती हैं। तो जनाब, यहाँ बहुत अच्छी ये दाल थी, फटाफट गल गई थी, बस 20 से 25 मिनट लगे थे और ये बहुत अच्छे से गल गई थी। तो यहाँ मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। तो ये दाल खाने में आप यकीन करें, आप बनाते होंगे, बहुत अच्छी लगती होती है, क्योंकि ये पांच जो मिक्स दाल होती है ना, तो सबका टेस्ट आ जाता है इसमें, क्योंकि माश की दाल में थोड़ा सा लेस होता है, चने की दाल में थोड़ा सा हलीम का टेस्ट आता है, तो मूंग मसूर की दाल। अच्छा, यहाँ मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। तो जनाब ये देखिए, मैं घी से लगा रही हूँ दाल में, जब भी तड़का लगाती हूँ घी से ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बस जनाब, यहाँ थोड़ा सा लहसुन ले लिया था, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया था, और गुल लाल मिर्चें होती है ना वो ले ली थी, 4 से 5। अच्छा, लहसुन ही मैं डालती हूँ बघार में, इसमें प्याज ऐड नहीं करती, क्योंकि अगर लहसुन का बघार बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ जनाब करी पत्ता मेरे पास था नहीं, तो इसीलिए वो मैंने ऐड नहीं करा, वरना मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी इसमें शामिल करती हूँ। तो बस जनाब, यहाँ दाल में अच्छे से बॉईल आ गया था और मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था, और जनाब यहाँ घी गरम हो गया था। तो सबसे पहले हम गोल वाली जो लाल मिर्च होते हैं ना, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर साथ ही इसमें लहसुन और ज़ीरा डाल देंगे और इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि घी काफ़ी गर्म हो गया था, तो इससे क्या होता है कि ज़ीरा और लहसुन बहुत जल्दी फिर जलने लगता है। तो इसीलिए देखें, मैंने फ्लेम से हटा लिया है पैन को और इसको हल्का सा हिला रही हूँ ताकि ये अच्छे से
लाइट गोल्डन कलर इस पर आ जाए। तो यहाँ पर जनाब बघार अच्छे से रेडी हो गया था, तो बस अब हम इसमें दाल में इसको डाल देंगे। तो ये देखिए जनाब बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी, तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर, मिक्स दाल बनकर रेडी है। तो देख लें बहुत मज़ेदार ये दाल बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी रेसिपी से बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार सी बनकर ये तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारी दाल जनाब रेडी है, इसके साथ मैंने रेडी करे थे चावल, थोड़े से ही बनाने थे क्योंकि आपको पता है मेरे हस्बैंड रोटी के साथ खाते हैं और बच्चे चावल के साथ। तो देखें ये घी से ही मैं चावल भी बनाऊंगी क्योंकि घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा लिया था, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, दो हरी मिर्चें कट करके डाली थी, तो बस इसी से ही हम चावल बनाएंगे। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा ये जो हरी मिर्चों का टेस्ट होता है ना, इस तरह घी में फ्राई करने से बहुत ज़बरदस्त सा आ जाता है। तो बस देखिए हल्का सा इसको गोल्डन फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा इस पर गोल्डन सा कलर आ जाए। और फिर इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे नमक। तो जितना आप चावल लें उस हिसाब से पानी लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कप चावल लिए थे तो उसी हिसाब से मैंने पानी ऐड करा है। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं सॉल्ट, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितने आप चावल लें उस हिसाब से फिर नमक ऐड कीजिएगा। तो बस इसको बॉयल आने देंगे, बॉयल होते ही हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो ये देखिए चावल मैंने भिगो के पहले, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैं धो के भिगो के रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत जल्दी से चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस जनाब चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, तो बस अभी हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने देंगे। बॉईल आने के बाद ये होगा कि थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाएगा तो हम जनाब इसको दम पे लगा देंगे, तो हमारे मज़ेदार से चावल रेडी हो जाएंगे। तो दाल चावल का ये कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार होता है। तो जनाब यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे बाहर से फिश फ्राई फिंगर पीस होते हैं ना फिश के, वो क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है वो कांटे वाली मछली खाना ना, तो इसलिए जनाब तो उसकी वीडियो में शूट नहीं कर सकती क्योंकि बस हम लोगों ने दस्तरखान लगा लिया था और जब वो लेकर आए थे तो बस जल्दी से हमने फिर खाना सर्व किया। तो जनाब यहाँ पर मज़ेदार से चावल भी हमारे हो गए थे रेडी। तो जनाब ये था हमारा आज का डिनर, दाल चावल और फिश फ्राई, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।